कॉन्फिडेंस लेवल। यादव शक्ति पत्रिका ने हिंदू धर्म में कुल 5 खूंटों का जिक्र किया है। आप लोग भी जानिए क्या है हिंदू धर्म के 5 खूंटे, जिनसे ब्राह्मणों ने सभी दलितों और पिछड़ों को बांध रखा है। हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म के 5 खूंटे। पहला खूंटा ब्राह्मण। हिंदू धर्म में ब्राह्मण जन्मजात श्रेष्ठ है। चाहे चरित्र से वह कितना भी खराब क्यों ना हो, हिंदू धर्म में उसके बिना कोई भी मांगलिक कार्य हो ही नहीं सकता। किसी का विवाह करना हो तो दिन या तारीख बताएगा ब्राह्मण। किसी के घर बच्चा पैदा हो तो नाम राशि बताएगा ब्राह्मण। किसी को नया घर बनाना हो तो भूमि पूजन कराएगा ब्राह्मण। किसी की मृत्यु हो जाए तो क्रिया कर्म कराएगा ब्राह्मण। भोज खाएगा ब्राह्मण। बिना ब्राह्मण से पूछे हिंदू हिलने की स्थिति में नहीं है। इतनी कड़ी मानसिक गुलामी में जी रहे हिंदू से विवेक की कोई बात करने पर वह सुनने को भी तैयार नहीं होता। पिछड़ों एससी एसटी के आरक्षण का विरोध करता है ब्राह्मण। पिछड़ों एससी एसटी की शिक्षा रोजगार और सम्मान का विरोध करता है ब्राह्मण। इतना होने के बावजूद भी पिछड़े एससी एसटी का प्रिय और अनिवार्य बना हुआ है। क्यों? घोर आश्चर्य, या ये कहें कि दुनिया का 8वां अजूबा जो हिंदू ब्राह्मण रूपी खूंटा से बंधा हुआ है। दूसरा खूंटा ब्राह्मण शास्त्र। यह जहरीले सांप की तरह हिंदू समाज के लिए जानलेवा है। मनुस्मृति जहरीली पुस्तक है। वेद पुराण रामायण आदि में भेदभाव ऊंच नीच छूत अछूत का वर्णन मनुष्य मनुष्य में किया गया है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताकर शोषण और दमन की व्यवस्था शास्त्रों में की गई है। हिंदू शास्त्रों में स्त्री को गिरवी रखा जा सकता है, बेचा जा सकता है, उधार भी दिया जा सकता है। हिंदू समाज इन शास्त्रों से संचालित होता रहा है। तीसरा खूंटा हिंदू धर्म के पर्व त्योहार। हिंदू धर्म के त्योहार आर्यों द्वारा इस देश के एससी एसटी पिछड़ों और मूल निवासियों की गई निर्मम हत्या पर मनाया गया जश्न है। आर्यों ने जब भी और जहां भी मूल निवासियों पर विजय हासिल की, विजय की खुशी में यज्ञ किया, यही पर्व कहा गया। पर्व ब्राह्मणों की विजय और त्योहार मूल वासियों के हार की पहचान है। त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार, यानी मूल वासियों की हार। इस देश के मूल वासी अनभिज्ञता की वजह से पर्व और त्योहार मनाते हैं। न ही तो किसी को अपने इतिहास का ज्ञान है और न ही अपने अपमान का बोध। सबके सब ब्राह्मणवाद के खूंटे से बंधे हैं। अपना मान सम्मान और इतिहास सब कुछ खो दिया है। अपने ही अपमान और विनाश का उत्सव मनाते हैं और शत्रुओं को सम्मान और धन देते हैं। यह चिंतन का विषय है। होली, होलिका की हत्या और बलात्कार का त्योहार। दशहरा, दीपावली, रावण वध का त्योहार। नवरात्र, महिषासुर वध का त्योहार। किसी धर्म में त्योहार पर शराब पीना और जुआ खेलना वर्जित है, पर हिंदू धर्म में होली में शराब और दीपावली पर जुआ खेलना धर्म है। हिंदू समाज इस खूंटे से पूरी तरह से बंधा हुआ है। चौथा खूंटा देवी देवता। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं। पाप पुण्य जन्म मरण स्वर्ग नरक पुनर्जन्म अगले जन्म का भय बताकर काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा और आराधना का विधान किया गया है। मंदिर मूर्ति पूजा दान दक्षिणा देना अनिवार्य बताया गया है। हिंदू समाज इस खूंटे से बंधा हुआ है और चमत्कार पाखंड अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से जकड़ा हुआ है। पांचवा खूंटा तीर्थ स्थान। ब्राह्मणों ने देश के चारों ओर तीर्थ स्थान के हजारों खूंटे गाड़ रखे हैं। इन तीर्थ स्थानों के खूंटे से टकराकर मरना पुण्य और स्वर्ग प्राप्ति का सोपान बताया गया है। इस धारणा पर भरोसा कर सभी ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम ओबीसी एससी एसटी के लोग बिना बुलाए तीर्थ स्थानों पर पहुंच जाते हैं, जहां इनका तीर्थ स्थलों के मालिक ब्राह्मण आस्था की आड़ में हर प्रकार का शोषण करते हैं। समाधान। ब्राह्मणवाद के इन खूंटों को उखाड़ने के लिए समस्त शूद्र की जातियों को एकजुट होकर चिंतन मनन और विचार विमर्श करना होगा। किसी भी मांगलिक कार्य में ब्राह्मण को न बुलाने से, ब्राह्मण शास्त्रों को न पढ़ने से, न मानने से, हिंदू त्योहारों को न मनाने से, काल्पनिक हिंदू देवी देवताओं को न मानने, न पूजने और तीर्थ स्थानों में न जाने, दान दक्षिणा न देने से ब्राह्मणवाद के सभी खूंटे उखड़ सकते हैं। ब्राह्मणवाद से समाज मुक्त हो सकता है।
और मानववाद विकसित हो सकता है। इस पर ओबीसी एससी एसटी समाज की सभी जातियों को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। तो आइए विदेशी आर्य ब्राह्मणों को दान मान मतदान न देकर ब्राह्मणवाद से मुक्ति और मानववाद को विकसित करने का संकल्प लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।